हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाती हूँ पंचतंत्र की कहानी आलसी ब्राह्मण। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत जमीन, पैसे थे। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो चाहे फल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो। लेकिन वो कभी काम नहीं करता था, वो कहता मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बेहद परेशान थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण उनके घर आए। ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया, खुश होकर सम्मान पूर्वक उसकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस हनुमान जी प्रकट हुआ। वो कहने लगा, मालिक मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन्न बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन्न तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन्न कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल कर लेना। जिन्न बोला, नहीं मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन्न गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वो अब खाना खाने बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो सारी जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि कितना गलत सोच रहे हैं उसके पति। इसी बीच वो जिन्न वापस आ गया और बोला, काम दो मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनिए मैं इसे काम दे सकती हूँ क्या। ब्राह्मण ने कहा, दे तो सकती हो लेकिन तुम क्या काम दोगी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगी। वो जिन्न से मुखातिब होकर बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूँछ सीधी कर दो, ध्यान रहे पूँछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन्न चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है, पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या काम दें। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके अभी आता होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बनाई है, अब तो यह हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वहाँ जिन्न लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया, पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती। रात भर वो यही करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए।
अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन्न मोती की पूंछ सीधी कर रहा था। उसने जिन्ने को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन्न बोला, मालिक मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए छोड़ दिया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।